प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए कुछ और रैलियां कर सकते हैं। केजरीवाल की रणनीति को नाकाम बनाने के लिए बीजेपी नया चुनावी प्लान तैयार कर रही है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की 19 जनवरी को बैठक हो सकती है, जिसके बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। दिल्ली में उम्मीदवारों के ऐलान में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से पिछड़ गई है। केजरीवाल ने इस पर चुटकी ली तो बीजेपी को गुस्सा आ गया। उनको तो कुछ भी घोषित नहीं हुआ, एजेंडा भी उनको नहीं पता। बीजेपी दिल्ली बीजेपी एक डूबते हुए जहाज की तरह है, जिसका कोई कप्तान नहीं है। बीजेपी के पास दिल्ली में लीडर नहीं है, बीजेपी के पास दिल्ली में कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी नाम अपना डिक्लेयर करने में देरी क्यों करे? मैं कहा ना, अभी हमारे हम दूसरों से हम बराबरी मत करिए। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम करती है। अभी हमारे टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और हमारी चुनाव समिति बैठेगी, वही इनके बारे में तय करेगी और कोई अच्छा उम्मीदवार निश्चित रूप से नई दिल्ली में भी हम देंगे। इस चुनाव में भी बिजली का मुद्दा गरमाया रहने वाला है। आम आदमी पार्टी ने इसे अपने एजेंडे में फिर से ऊपर रखा है। आम आदमी पार्टी जनता से चंदा लेके चुनाव लड़ती है, इसलिए पिछली बार चुनाव जीतने के 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के दाम कम कर दिए। दूसरी पार्टियां बिजली कंपनी के मालिकों से चंदा लेके चुनाव लड़ती हैं, इसलिए वो 7 महीने में भी बिजली के दाम कम नहीं कर पाए। जो हमने कहा है, बिजली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे पहले तो हमारी कोशिश होगी कि बिजली के बिलों को किस तरीके से कम किया जाए। जो करार प्राइवेट कंपनियों से किए गए थे उनके बारे में एक रिवैम्पिंग करने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है कि जिस पर्पज से ये करार हुए थे क्या वो अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। सरकार आएगी तो उसके बारे में हम विचार करेंगे। दिल्ली में कांटे के मुकाबले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पीछे छोड़ने के लिए अब बीजेपी पीएम मोदी की कुछ और रैलियां कराना चाहती है। अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि दिल्ली में चुनावी तैयारियों की कमान खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संभाल रखी है। बीजेपी 3 दिन बाद से बूथ स्तरीय सम्मेलन शुरू करेगी। दिल्ली भर में ऐसे 7 सम्मेलन होंगे जिसमें अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इसमें हर इलाके के प्रोफेशनल्स और धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों की लिस्ट भी साथ लाने को कहा गया है। इसे हिंदुत्व का कार्ड खेलने की रणनीति से जोड़ा जा रहा है।